नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्लीपी क्लासेस की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सोमवार का शुभ दिन है और हम फिर से लौटे हैं आप सभी के पास प्रीलिम्स करंट अफेयर्स लेकर। और आज की तारीख है 3 सितंबर 2018। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं, फ्री कोर्सेज देखिए। आप सारा इंटायर कॉन्टेंट GS का और CSAT का और दो ऑप्शनल्स का जो है फ्री है यूट्यूब पे। और पेड कोर्सेज सिर्फ क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज़ हैं और वो भी बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे रखे गए हैं। हम टेक्नोलॉजी की मदद से और भी इन्हें कम करने की कोशिश निरंतर कर रहे हैं। और राजेंद्र नगर में जो है हम लोग मेंस के टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप डिटेल्स के लिए जो है हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। इसमें इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ आई है कि रियो दो जेनेरियो में, जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ पे ना एक 200 साल पुराना नेशनल म्यूज़ियम है, वहाँ आग लग गई है। ठीक है, तो वो क्या है वो तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेकिन ब्राज़ील के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बात तो ये साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका का जो है ना, ये साउथ अमेरिका में आता है वैसे तो, साउथ अमेरिका लैटिन अमेरिका का जो है ये लार्जेस्ट कंट्री है। दूसरी बात, ये पूरे वर्ल्ड में फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के हिसाब से और सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से। इसकी कैपिटल तो है ब्रासिलिया, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है साओ पोलो में। और ये लार्जेस्ट कंट्री है जिसमें पोर्चुगीज़ जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब पोर्टुगल जो है पोर्टुगल से भी ये बड़ा है, इसलिए द लार्जेस्ट कंट्री टू हैव पोर्चुगीज़ एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज तो ब्राज़ील है, पोर्टुगल नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो है ब्राज़ील के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो जानते हैं। पहली बात तो ये वर्ल्ड का ओनली कंट्री है, सिर्फ एक ब्राज़ील ही ऐसा कंट्री है जहाँ से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों जाते हैं। ठीक है, और इसमें ना ब्राज़ील में बहुत सारी रिवर्स हैं। ठीक है, एक डेंस एंड कम्प्लेक्स सिस्टम है और वो सारी की सारी, ठीक है, सारी की सारी जो ड्रेन करेंगी वो अटलांटिक ओशन में करेंगी। और देखो वर्ल्ड की जो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अमेज़न, ठीक है, तो वो भी है यहाँ पे, पराना रिवर भी है और क्या कहते हैं, फिर ये बाकी रिवर्स आप देख सकते हैं, वैसे ये याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन पराना और अमेज़न ज़रूर आप याद कर सकते हैं। और ये सारी की सारी कहाँ ड्रेन करती हैं, ये करती हैं अटलांटिक ओशन में। और यहाँ जो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहे जाने वाली अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो लेकिन अब उसमें क्या है कि रेन फॉरेस्ट जो है अमेज़न एरिया में अभी जो है अर्बनाइजेशन की वजह से थोड़ी कटती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, लेकिन अदरवाइज अभी भी इन्हें लंग्स ऑफ द वर्ल्ड किया कहा जाता है क्योंकि लार्जेस्ट फॉरेस्ट हैं रेन फॉरेस्ट। ठीक है, और यहाँ वैसे तो देखो ट्रॉपिकल वेदर होता है, लेकिन जो है इस माइक्रो क्लाइमेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब कि काफ़ी सारे माइक्रो क्लाइमेट्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो इसका क्लाइमेट क्या है, इसका क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। आप लोकेशन देख सकते हैं, देखिए इसके साथ बॉर्डर कौन कौन शेयर कर रहे हैं, देखिए यूरुगे, ठीक है, पेरेगुए, बोलीविया, पेरू, फिर वेनेजुला है ऊपर, इवन कोलंबिया शेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये फ्रेंच गायना, सुरीनाम, ठीक है, तो ये सब कर रहे हैं। और यहाँ अटलांटिक ओशन है, यहाँ अटलांटिक ओशन में सभी जो रिवर्स हैं वो अपना पानी ड्रेन कर रही हैं। ठीक है, फिर हमने बात करी थी कि रियो दो जेनेरो यहाँ पे जो है म्यूज़ियम, क्या कहते हैं, म्यूज़ियम जल रहा है। फिर ये साओ पोलो है, ठीक है, साओ पोलो मोस्ट पॉपुलर सिटी है। ठीक है, फिर ये अमेज़न वाला एरिया है। ठीक है, सेकंड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, वो काजीरंगा के बारे में। काजीरंगा में क्या कर रहे हैं कि ड्रोन्स ला रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने प्रीलिम्स वाले में ये भी डिस्कस किया था कि ड्रोन्स क्या है और इंडिया की जो नई ड्रोन्स की जो पॉलिसी है, ठीक है, तो वो क्या है, तो अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। और फिर अब जो है, अब ये हुआ है कि असम के जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, उसे काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी बोला जाता है, वो 2006 के बाद बोला गया है। ठीक है, तो वो भी बताते हैं क्यों, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो असम में जो है ना ये काजीरंगा जो है, ठीक है, इट इज़ वेरी फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोस। ठीक है, तो उनकी जो है गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए, तो वहाँ पे जो है ये ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और कई जगहें ऐसी भी हैं जहाँ जंगल में, जहाँ मतलब पैदल चल के इंसान नहीं जा सकता है, तो वो ड्रोन्स के थ्रू जो है ना, हम वहाँ कैमरा फिट करेंगे ड्रोन्स में और हम वहाँ उन जगहों पे जो है निगरानी रख सकते हैं। और ये जो नए ड्रोन्स हैं इन्हें ना थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, जो कि देहरादून में है। अब उसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे।
फिर सबसे पहले बात करते हैं इंडियन राइनो को, ठीक है। इसे ग्रेटर वन हॉर्न राइनो भी बोला जाता है, ठीक है, इंडियन राइनो को। ये लार्जेस्ट राइनो स्पीशीज़ है, ठीक है, लार्जेस्ट स्पीशीज़ है राइनो की। और पहले ये बहुत ज़्यादा होते थे ऑलमोस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सारे नॉर्दर्न पार्ट में होते थे, लेकिन फिर क्या है कि इसकी हंटिंग होने लगी, ठीक है, हॉर्न के लिए होने लगी, फिर जो है वैसे ही जो है स्पोर्ट के लिए होने लगी। इनफैक्ट बहुत दिन पहले एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी था उस पर कि बहुत किसी ने अपनी मेमोयर्स लिखी थी बुक में, तो उन्होंने बताया था कि अंग्रेज़ों के ज़माने से ऐसा जो चलता आ रहा था, ठीक है। और कई बार क्या है क्योंकि ये खेतों में घुस जाते थे, ठीक है, तो ये जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते थे, इसलिए उनको मारने के लिए जो है फिर प्रयास किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती गई। लेकिन ये हमारे सबके लिए एज इंडियंस एंड एज एशियंस हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि राइनो को जो पॉपुलेशन को फिर से रिकवर करवाना, फिर से इंक्रीज करवाना जो है, ये इट इज़ टाउटेड एज द ग्रेटेस्ट कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरीज इन एशिया, ठीक है। ये काम हुआ है इंडियन और नेपालीज वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ की मेहनत की वजह से, ठीक है। और जो ये जो ग्रेटर राइनो है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट कह रहे थे कि मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाने वाला था कुछ साल में, लेकिन ये फिर से जो है इंक्रीज करा गया है। और इवन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में और नेपाल में 3500 हो गए हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो ये आप मेंस में भी लिख सकते हैं केस स्टडी में, ठीक है। और फिर ये राइनो के बारे में जान लेते हैं, जो वन हॉर्न राइनो है, ठीक है, ये क्या होता है, इसका एक ब्लैक हॉर्न होता है, ठीक है, सिंगल ब्लैक हॉर्न, तभी नाम होता है ना वन हॉर्न राइनो, ठीक है। और फिर उसके बाद ना इसके स्किन पे फोल्ड्स होते हैं, अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा उसमें देखना, तो ऐसे लगता है उसने कि ना एक जैसे कवच डाला होता था ना पुराने वॉरियर्स ने, आर्मर डाला था, तो वैसा है, ठीक है। और ये स्पीशीज ना सॉलिटरी है, सॉलिटरी मतलब ग्रिगेरियस नहीं है, ग्रिगेरियस मतलब इट डज नॉट लुक, मतलब ग्रिगेरियस का मतलब होता है कि वो स्पीशीज ग्रुप्स में रहना पसंद करती है, लेकिन जो सॉलिटरी स्पीशीज होती है जैसे कि वन हॉर्न राइनो है, ठीक है, ये ग्रुप्स में रहना पसंद नहीं करते, अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं, एक्सेप्ट व्हेन जब मेल और फीमेल राइनोज जो होते हैं वो एडल्टहुड के पास जो मीटिंग के लिए आते हैं या फिर वो ग्रेजिंग करते हैं ना जब घास वगैरह खाते हैं उसके लिए, ठीक है। और इनमें ना एक ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें ना रेंजेस जो होती है ना वो वेल डिफाइंड नहीं होती, ठीक है, तो ओवरलैप कर जाती है। रेंजेस मतलब इलाका, जैसे बोलते हैं ना शेर का इलाका है, यानी एक शेर का, ये मान लो ये एक लायन है एल, ठीक है, तो इसका इलाका इतना होगा, तो इसमें और अगर कोई शेर आएगा तो दोनों में फाइट होती है, तो जो यहाँ इस इलाके वाला शेर होगा L2 जो होगा वो यहाँ नहीं आएगा और L1 उसकी टेरिटरी में नहीं जाएगा। बट राइनोस के केसेस में ऐसा नहीं होता, इनमें जो है लूजली डिफाइंड होता है, ठीक है। और होम रेंजेस जो उनकी रेंजेस होते हैं दे आर नॉट वेल डिफेंडेड, मतलब ये लड़ाई वड़ाई नहीं करते, आराम से शांत आदमी हैं ये। और ये देखिए वेजिटेरियन होते हैं प्राइमरीली, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये लीव्स ब्रांचेस और ये ट्रीज फ्रूट्स और एक्वाटिक प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। फिर जी इनके IUCN स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल हैं अभी भी, ठीक है। और अब पॉपुलेशन जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 3500 प्लस है, और इनका साइंटिफिक नेम है राइनोसेरस यूनिकॉर्निस, यूनिकॉर्निस मतलब एक हॉर्न वाला। इसकी हाइट आप देख सकते हैं 7.5 फीट से लेके मतलब 6.5 फीट के करीब है, ठीक है। और जो इसका वेट देखिए 6000 पाउंड है, और लेंथ अगर आप देखेंगे ना, लेंथ मतलब मान लो ये राइनोसेरस की बॉडी है तो यहाँ इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक ये लेंथ होती है, और ये पार्ट देखो ये हाइट होती है, तो हाइट आप देख रहे हैं 6.5 फीट तक है, 7.5 से 6.5 फीट होती है, और लेंथ जो है इसकी 10 से 12.5 फीट, मतलब लेंथ और भी बड़ी होती है, तो इट्स अ ह्यूज एनिमल। आप ये देखिए फोटो आप देख सकते हैं, ये हॉर्न देख सकते हैं आप, ब्लैक हॉर्न, ठीक है। और जो आर्मर प्लेट्स की मैं बात कर रहा था, ये देखिए ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, तो ये आर्मर जैसा लग रहा है ना, तो यहाँ भी ये आर्मर जैसा लग रहा है, जैसे कवच डाला हुआ है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। ये असम के 2 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, गोलाघाट और नयागांव, ठीक है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के साथ साथ ये टाइगर रिजर्व भी है, और ये यहाँ वर्ल्ड की 2/3 जो पॉपुलेशन है वन हॉर्न राइनोसेरस की, ये सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में है, ठीक है। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। काजीरंगा को डिक्लेयर कर दिया गया था 2006 में टाइगर रिजर्व, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स है, ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स नहीं है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स है, ठीक है। यानी कि
पर 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में एक टाइगर होता है, ठीक है। तो और इसमें ओवरऑल पॉपुलेशन टाइगर्स की है 118 के करीब, ठीक है। तो फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं, जहाँ की मॉडिफिकेशन हो रही है ड्रोन्स की, ठीक है। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है। इसके फाउंडर डायरेक्टर थे वीवी सहारिया जी, और ये कहाँ लोकेटेड है, ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ना, देहरादून की जो सदर्न फॉरेस्ट है उसके पास एक एरिया है चंद्रभानी, ठीक है। तो ये वहाँ लोकेटेड है। और यहाँ काम क्या होता है, यहाँ पे रिसर्च होती है बायोडाइवर्सिटी, एंडेंजर्ड स्पीशीज़, क्लाइमेट चेंज, इको डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। और फिर अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। द हिंदू में एक न्यूज़ आई है कि म्यांमार कोर्ट सेंटेंसेज रॉयटर्स रिपोर्टर्स टू 7 years in jail, ठीक है। तो ये इसके पीछे इशू क्या है वो हमें इतना नहीं इंपॉर्टेंट, हमारे लिए एक म्यांमार इंपॉर्टेंट हो जाता है और रॉयटर्स क्या है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। रॉयटर्स जैसे एक बार एमनेस्टी इंटरनेशनल मेरे ख्याल से प्रीलिम्स में पूछा गया था, ठीक है, तो रॉयटर्स भी आपसे पूछ सकते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। म्यांमार को बर्मा बोला जाता था पहले, और इनफैक्ट अभी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका लेकिन ऑफिशियल नेम जो है वो तो म्यांमार ही है, ठीक है। और ये साउथ ईस्ट एशिया में है, ठीक है। और इसके नेबर्स कौन कौन से, एक तो इंडिया है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश में तो रोहिंग्यास जा रहे हैं म्यांमार से पलायन करते, ठीक है। फिर थाईलैंड है, लाओस भी है, और चाइना भी है मेन बात, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटेजिक लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो कैपिटल है ना वो नेपिडॉ है, ठीक है। पहले इसकी कैपिटल यांगोन होती थी, जैसे रंगून भी बोल देते थे, ठीक है। लेकिन अभी इसकी कैपिटल क्या है, नेपिडॉ, ठीक है। ये बिल्कुल साथ में ही यांगोन के, नया सिर्फ जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नई सिटी को फिर से बनाया गया था, ठीक है। और इसमें क्या है कि शुरू से जो है ना बहुत सारी स्ट्राइफ होती है, और वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रनिंग ऑन गोइंग सिविल वॉर्स यहीं हुए हैं, ठीक है। और फिलहाल जो चल रहा है वो चल रहा है कि इस रिलेटेड है म्यांमार, जो इसमें रखाइन स्टेट है ना म्यांमार में, उसमें रोहिंग्या मुस्लिम से रिलेटेड है, ठीक है। और यूएन ने कई बार इनको जो ताड़ा है, ठीक है, यहाँ की सरकार को, जो कि ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के लिए, ठीक है, इनफैक्ट अभी भी ताड़ा था यूएन ने, और प्रीलिम्स में मैंने अभी कवर किया था प्रीलिम्स करंट अफेयर्स में, कि यूएन ने बोला कि ये तो जीनोसाइड, इट मस्ट बी टर्म्ड एज जीनोसाइड, ह्यूमन जो राइट्स काउंसिल है उसकी एक बनाई हुई कमेटी ने ऐसा बोला था, ठीक है। और म्यांमार किस लिए फेमस है, ठीक है, इसमें ऑयल और नेचुरल गैस भी है, और जेड एंड जेम्स भी है, तो आप जान सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और मिनरल सोर्सेज भी है। और म्यांमार में क्या है कि इसमें ये एक ऐसा कंट्री है, ठीक है, यहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट गैप है इनकम में, ठीक है। वाइडेस्ट गैप इनकम में होने का कारण क्या है, कारण ये है कि जो ये यहाँ पहले ना मिलिट्री जनता होती थी, मिलिट्री गवर्नमेंट होती थी, ठीक है। तो मिलिट्री जनता जो थी वो क्या करती थी, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी करती थी बहुत सारा, और सारा कुछ रिसोर्सेज अपने सपोर्टर्स और अपने लिए ही रखती थी, ठीक है। तो जब वो रखती थी तो उसकी वजह से जो उनको सपोर्ट करते थे वो तो बहुत ही ज़्यादा और अमीर होते गए, ठीक है, अमीर थे और अमीर होते गए, और जो दूसरे थे नॉर्मल वो और ज़्यादा गरीब होते गए, ठीक है। तो वाइडेस्ट जो इनकम गैप जो है वर्ल्ड में, जो अगर किसी कंट्री में है तो वो है म्यांमार, ठीक है। फिर देखो इसका 3 बार तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, और मिलिट्री रूल ही चलता रहा है ज़्यादातर वहाँ पर, ठीक है। और अब जो करंटली क्या है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, और इसमें 2 लेजिस्लेचर, जैसे हमारे लोक दो हाउसेज हैं, जैसे हमारे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, तो इनके वैसे ही होता है, ठीक है। और इनका जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो ही इज़ अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, और इसमें 25% लेजिस्लेटर्स जो है ना वो भी मिलिट्री अपॉइंट करती है, ठीक है। तो मिलिट्री का इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल है। और यहाँ रोहिंग्या वाला है वो मैंने आप डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, प्रीलिम्स करंट अफेयर्स वाले में, तो आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो जो रोहिंग्या पीपल पे जो अब्यूज़ हो रही हैं, ठीक है, और उन वहाँ पे ह्यूमन राइट्स जो है वायलेशंस हो रही हैं, तो उसके खिलाफ जो है काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड में आक्रोश है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, और उसी की वजह से रोहिंग्या मुस्लिम्स को पलायन करना पड़ रहा है बांग्लादेश और इंडिया में। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ऐसा ये हो रहा है कि जो बर्मीज रजीम है ना, जो यहाँ का रजीम है, वो बोलता है कि नहीं, ये लोग हमारे यहाँ के नहीं हैं, ये इनको हम सिटीजनशिप नहीं देंगे, नागरिकता नहीं देंगे। हालांकि आप अगर देखें कि इसमें बहुत सारे रोहिंग्या के जो जो रह रहे थे रोहिंग्या या अभी भी रह रहे हैं, वो पिछले 3 जनरेशन से यहाँ पे रह रहे हैं रखाइन स्टेट में, ठीक है, पर फिर भी जो है इनको जो है वहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। लेकिन पलायन करने के कुछ जो है कुछ रीज़न जो है वहाँ की गवर्नमेंट ये देती है
वो ये बोलते हैं कि ये जो रोहिंग्यास थे तो इन्होंने पहले इन्होंने बुद्धिस्ट से भी क्लैश किया, ठीक है। बुद्धिस्ट आप देखें तो बहुत ही पीसफुल कम्युनिटी मानी जाती है वर्ल्ड ओवर, ठीक है। उनसे भी ज़्यादा उनसे भी इन्होंने क्लैश किया। फिर रोहिंग्यास की एक पार्टी ने क्या किया, जो जो बर्मा की जो आर्मी है उसके एक कैंप पे जाके विस्फोट कर दिया बम का, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो मिलिट्री ने क्रैक डाउन किया, फिर उसकी वजह से ये लोग भाग रहे हैं इधर उधर। तो अब देखिए क्या सही है क्या गलत है वो तो अभी जज कर पाना मुश्किल है, और कौन सही है कौन गलत है ये तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट्स आती हैं तो हम लोग यहाँ डिस्कस करते रहेंगे। फिर रॉयटर्स की बात कर ले, रॉयटर्स क्या है, ये इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है जो कि लंदन में है, ठीक है। और अब ये डिवीज़न है टॉमसन रॉयटर्स की, मतलब पहले ये रॉयटर्स होती थी, इसको टॉमसन कंपनी ने जो है इसके साथ मर्जर किया, तो ये टॉमसन रॉयटर्स हो गई है, ठीक है। फिर लाइव मिंट में एक आर्टिकल है कि बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, जो असम में हैं वो उनको डाउटफुल वोटर स्टेटस का जो है मतलब वो टाइटल दिया गया है, वो अभी रह गए हैं, दे आर लेफ्ट आउट ऑफ द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। तो ये अराउंड कितनी संख्या है उन लोगों की, उन लोगों की संख्या है अराउंड 2.48 लाख, ठीक है। इन्हें डी वोटर्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो हम अभी बात करते हैं कि ये क्या है, ठीक है। ये क्या है कि ये देखिए, इसके लिए ना आपको एक प्रोसेस समझना पड़ेगा। प्रोसेस ये है कि 1971 के जो पीरियड के बाद ना यहाँ पे बहुत लोगों का जो है, उन्होंने ये बोला कि बहुत लोगों को जो फॉरेनर बोले जाते थे क्योंकि यहाँ क्लैश होता था, तो उन्होंने बोला कि उनको क्या करना पड़ेगा, वो यहाँ के सिटीज़न थे या नहीं थे, ठीक है। तो उसका डिसाइड करेगा एक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, ठीक है। जो वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल होगा वो डिसाइड करेगा। जब वो ट्रिब्यूनल जो है सिटीज़न एज इंडियन सिटीज़न उनको जो है एक रिकग्निशन दे देगा, उसके बाद उनको क्या करना पड़ेगा, उनको फॉरनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाना पड़ेगा जहाँ SP होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के, और उनको जो है फिर ये विद इन 60 डेज ये जो सारा प्रोसेस SP साहब को ये क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या, देखो ट्रिब्यूनल जो है, ट्रिब्यूनल को कायदे से ऐसा होना चाहिए कि जो ट्रिब्यूनल करता है और वो फिर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SP को एक कॉपी देता है, ठीक है, कि ये फलाने नाम के बंदे हैं और ये यहाँ रहते हैं, ये सिटीज़न हैं यहाँ के, ये फॉरेनर नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर उस आदमी को जो है SP के पास जाना होता है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद जो है वो SP है वो क्या करेगा, वो रजिस्टर करेगा उनका नाम, और फिर वो जो NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के ऑफिशियल्स हैं उनके पास नेम भेज देगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये प्रोसेस का पता ही नहीं, इवन कई पुलिस वालों को भी नहीं पता है, तो उस करके जो है ये बहुत सारे लोग जो हैं ये डाउटफुल वोटर्स की कैटेगरी में आ गए। हालांकि वो ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि इतने सारे लोग जो हैं हमारे, हम कई पुश्तों से यहीं पे रह रहे हैं तो हमारा नाम इसमें होना चाहिए। फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के बारे में क्या जान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है जी, ये एक लिस्ट है इंडियन सिटीजन्स की जो कि असम में रहते हैं। अभी इसका ड्राफ्ट प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। और ये क्यों किया गया था, ये इसलिए लाया गया था कि भी बांग्लादेश और नेबरिंग एरिया से जो आउटसाइडर्स आ रहे हैं ना, इमिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों को हटाने के लिए। तो सबसे पहली बार ये 1951 में प्रिपेयर किया गया था, ठीक है। अब जो है 2018 में अभी देख रहे हैं ना जो आप चल रहा है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई पर्सन कह रहा है ना कि अभी फिर से नया बन रहा है ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के बाद फिर से दोबारा बनाया जा रहा है ये, ठीक है, अपडेशन हो रही है ड्राफ्ट। तो उसमें क्या है कि उन कोई भी अगर आदमी, सपोज़ कि मैं अगर असम में रह रहा हूँ, अगर मुझे अपना नाम जो है NRC की लिस्ट में चढ़वाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि मेरे पूर्वज जो हैं वो उनका नाम लिगेसी डाटा में था, और दूसरा ये दिखाना, या ये दिखाना पड़ सकता है कि मैं जो हूँ, मेरा नाम जो है वो, अगर मान लो मेरी उम्र बहुत है, ठीक है, मैं 1951 के बाद से ही यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है, तो 1951 में मेरा भी नाम लिगेसी डाटा में था। और ये लिगेसी डाटा क्या है, देखो लिगेसी डाटा कुछ नहीं है, वो ये डाटा है बस कि 1951 में जब ये प्रिपेयर किया गया था ना, तब जो लिस्ट बनाई गई थी उस टाइम जो सिटीज़न थे, उस टाइम जो रह रहे थे, तो उस टाइम जो सिटीज़न थे उसको लिगेसी डाटा बोला जाता है, ठीक है। फिर चलते हैं जी नेक्स्ट न्यूज़ पे, टाइम्स ऑफ इंडिया से, इट इज़ अबाउट
राफेल्स पैट से रिलेटेड है, मदर ऑफ ऑल डिफेंस सेट फॉर अ गवर्नमेंट नोड मेड राफेल्स पैट, ठीक है। मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील्स क्या है, देखो मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील्स कुछ नहीं है कि बस ये सिर्फ इतना है कि हमारी सरकार जो है बहुत ज़्यादा जो है फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो इम्पोर्ट करने की कोशिश में है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ राफेल नहीं और भी हैं, जैसे रशिया का भी है सुखोई वाला, ठीक है। तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन जो फिलहाल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि अभी ये ना बहुत समय से चल रही है मदर ऑफ़ ऑल डिफेंस डील्स, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि राफेल के बारे में इतनी कंट्रोवर्सी जो हो रही है, तो राफेल आखिर चीज़ क्या है, ठीक है। तो हमें ना देखो इसमें दो इंजन होते हैं और ये मीडियम है, ठीक है, लेकिन कॉम्बैक्ट है और ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। कॉम्बैट मतलब ये फाइटिंग के लिए है, फाइटर जेट है, ठीक है। और ये मल्टी रोल है, काफ़ी सारे रोल्स कर सकता है, ठीक है। ये फ्रेंच फर्म डसॉल्ट एविएशन जो है ना, तो दसॉल्ट एविएशन ने ये बनाया है, और जो है ये इसे जैसे मैंने बोला ना कि मल्टी रोल है, तो ये ओमनी रोल भी बोलते हैं इसे। ओमनी रोल एयरक्राफ्ट मतलब बहुत ज़्यादा ये वाइड रेंज ऑफ कॉम्बैट रोल्स ये जो है कर सकता है, ठीक है। इसीलिए जो है पहले जो सरकार थी वो भी इसे लेने चाह रही थी, और अब की सरकार है वो भी इसे लेना चाह रही है, ठीक है। अब इसमें कंट्रोवर्सी क्या है, कंट्रोवर्सी यही है कि पहले जो जब यूपीए सरकार थी, ठीक है, तो उन्होंने एक डील ये करने की कोशिश करी थी, तब जो है अब एनडीए दोबारा कर रही है, तो एनडीए सरकार बोल रही है कि नहीं हमने उनसे ज़्यादा अच्छी डील ली है, हमें कम खर्चे पे ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन जो है जो यूपी सरकार जो उस टाइम थी, उसके जो जैसे कांग्रेस है, वो अब ये आरोप लगा रही है कि ये जो है इसमें कोई घोटाला कर रहे हैं ये लोग। तो लेकिन मेन बात ये, हम में से कोई भी ये नहीं जान सकता कि एक्चुअल में कौन सही बोल रहा है कौन गलत, जब तक कि ये जो दोनों टाइमों की जो डील्स हैं ना वो ऑफिशियली आउट ना करें, ठीक है। तो अभी दोनों टाइम की यानी यूपी और एनडीए गवर्नमेंट के टाइम की जो डील्स हैं ना, उनके डिटेल्स जो हैं दे हैव बीन केप्ट सीक्रेट, तो अभी कोई नहीं बता सकता, ठीक है। अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, जब पब्लिक डोमेन में आएगी तभी हम कुछ कह सकते हैं। बेसिक मैंने आइडिया आपको दे दिया कि अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन कुछ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए आखिर ये चीज़ है क्या, ठीक है। और राफेल के बारे में जानना ज़रूरी है, जितना जानना ज़रूरी था मैंने डाल दिया। और फिर क्या कि इंडिया ने अभी क्या किया है, अभी जो एनडीए जो गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि यार हमने तो जो है राफेल के साथ साथ दो टाइप की और मिसाइल्स भी हमें दी जाएंगी, ठीक है। पहले का नाम है स्कैल्प, दूसरे का नाम है मीटियोर, ठीक है। जो स्कैल्प है ना ये क्या है कि ये 300 किलोमीटर रेंज तक जा सकती है। देखो MTCR जो है ना, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल जी में, ये बोलता है कि 300 से ज़्यादा वाली मिसाइल को आप जो है एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हालांकि रेंज स्कैल्प की इससे भी ज़्यादा हो सकती है, बट जो हमें जो मिलेगा उसकी रेंज 300 किलोमीटर तक होगी, ठीक है। और मेन बात यह है कि ये ग्राउंड अटैक करता है लॉन्ग रेंज, यानी कि देख लिया आपने 300 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है, प्रिसीजन ये माने एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। फिर जो मीटियोर जो मिसाइल है, ठीक है, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब ये एयर टू एयर मिसाइल होता है, और ये इसकी जो मारक क्षमता है वह 37 किलोमीटर से ज़्यादा है, ठीक है। और इवन आप ये देख रहे हैं कि इसकी तो 100 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताई है BVR की, BVR का मतलब होता है कि एयर टू एयर होगा वो मिसाइल, और उसकी जो मारक क्षमता है यानी उसकी जो रेंज है 37 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। फिर इकोनॉमी सेक्शन पे चलते हैं। न्यूज़ एक आज एक ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो है ना कि इसके अंदर से जो बहुत सारे सब न्यूज़ निकल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि बैंक्स जो है ना, जो ये पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इनको लेंड करना बंद कर देंगे। अब ऐसा क्यों बोला है, इन्होंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं खासकर पावर सेक्टर में जो हैं वो जो हैं उनके बहुत सारे जो लोन्स हैं ना, दे आर टर्निंग इनटू NPAs। अब फिर हम बात करते हैं कि स्टार्ट्स की बात कर लेते हैं। देखो 30 पावर प्रोजेक्ट्स विद अ क्यूमुलेटिव एक्सपोजर ऑफ 1.7 ट्रिलियन, ठीक है, वो अभी बैंकरप्टसी प्रोसीडिंग्स जो है दिवालिया घोषित करने वाली जो प्रोसीडिंग्स है वो फेस कर रहे हैं। तो देख रहे हैं आप कितना नुकसान हो रहा है हमारे देश को, 1.7 ट्रिलियन, ठीक है। और फिर बात करते हैं कि सिंपल टर्म्स में NPA को क्या बोला जाता है। NPA वो असेट है, ठीक है, जो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये बैंक है, ठीक है, अब बैंक ने किसी जो है एक पर्सन है पी, इसको लोन दिया, ठीक है,
इस या एक प्रोजेक्ट है, इनको लोन दिया, ठीक है, पर्सन या प्रोजेक्ट को एक लोन दिया, ठीक है, तो अब इसका इंटरेस्ट या पेमेंट, मतलब प्रिंसिपल, ये प्रोजेक्ट या पर्सन जो है ये पे नहीं कर पाया और उसको 90 दिन हो गए हैं, यानी कि उसकी ड्यू डेट मान लो आज से 90 डेज़ पहले थी, ठीक है, मतलब इसको आज से 90 डेज़ पहले इतना बैंक को वापस करना था लेकिन वो कर नहीं पाया, या तो इंटरेस्ट यानी ब्याज या मूल यानी प्रिंसिपल, ठीक है, तो अगर वो नहीं कर पा रहा और 90 दिन गुजर चुके हैं तो उसको NPA बोला जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक है। अब इसको जो है फिर से जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की ना सब क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो ये आपको और कहीं जो है और किसी मैगज़ीन में या कहीं और वीडियोस में शायद नहीं मिलेगा, तो आप यही समझ लें तो बेहतर होगा। देखिए पहला होता है सब स्टैंडर्ड असेट। सब स्टैंडर्ड असेट इज़ मतलब ये तीनों आप देख रहे हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, तो ये क्या है, ये NPAs की जो है फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो सब स्टैंडर्ड असेट वो होगा कि अभी देखो 90 दिन से तो ऊपर हो गया लेकिन 12 महीने अभी नहीं हुए हैं, 1 साल नहीं हुआ है, तो उसको सब स्टैंडर्ड बोल देंगे, ठीक है। फिर थोड़ी बहुत उम्मीद है। फिर आता है जी डाउटफुल असेट, ठीक है, फिर हो जाता भी 50-50 है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, ठीक है। तो ये कब होता है, जब ये 12 साल 12 महीने से जो है एक्सीड कर गया, ठीक है, वो पीरियड जबकि उसने पैसे नहीं लौटाए। फिर लॉस असेट्स होता है, लॉस असेट्स होता है भाई भाई बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, कभी नहीं आएगा और इसको बैंक्स ने जो है आइडेंटिफाई कर लिया है थ्रू ऑडिटर्स, ठीक है, कि ये तो नहीं होगा। अब क्या है कि अब इसको जो है या तो इसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होगी या फिर इस अमाउंट को राइट ऑफ कर दिया जाएगा। राइट ऑफ मतलब माफ़ कर दिया जाएगा, चाहे थोड़ा सा माफ़ कर दें, पार्टली कर दें, चाहे होली कर दें, भी सारा का सारा माफ़ कर दें। फिर जो है NCLT क्या होता है, देखो NCLT है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये बेसिकली बैंकरप्सी जो है उससे डील करता है। और ये जो है सेटअप हुआ था अंडर न्यू कंपनीज एक्ट, मतलब जो कंपनीज एक्ट एक पहले भी थी, फिर उसके बाद 2013 में एक नई बनाई गई और मेंस पे सवाल भी आया था उस पर, ठीक है, 2013 वाले में। तो ये क्या, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, ठीक है, ये जो नई वाली कंपनीज एक्ट है, ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर आता है। और इसके क्या है कि 11 बेंचेस सेट हैं, सेटअप किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, जो लेकिन इसका प्रिंसिपल जो बेंच है वो कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें एक प्रेसिडेंट होता है जो मेन हेड होगा और फिर 16 जो है इसके जुडिशियल मेंबर्स होंगे और 9 टेक्निकल मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो टोटल आप लगा सकते हैं कितने होंगे, टोटल हो गए अपने 26 मेंबर्स इसके। नेशनल लॉ कंपनी ट्रिब्यूनल जो है ना ये क्वासाई जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, क्वासाई जुडिशियल बॉडी मतलब ये पूरी तरह जुडिशियल बॉडी नहीं है पर इसमें कुछ जुडिशियल फंक्शंस हैं, ठीक है, तो ये क्वासाई जुडिशियल बॉडीज है। और ये क्या करती है, ये आपको मालूम है, एडजुडिकेट्स इश्यूज रिलेटिंग टू इंडियन कंपनीज, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू बैंकरप्सी एंड ऑल, ठीक है। और लास्ट में ये आप देख सकते हैं कोटेशन, डोंट गिव अप, द बिगिनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। तो अभी तो आपने शुरुआत करी है पढ़ने की, अभी तो कुछ भी नहीं हो, तो अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि हम अभी अभी कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं ना, तो अभी कंफर्ट जोन से बाहर जाने तो अभी मुश्किल है स्टार्टिंग, क्योंकि हमेशा जो बिगिनिंग है ना दैट इज़ ऑलवेज द हार्डेस्ट, ऑलवेज द हार्डेस्ट, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे आप इस चीज़ में थोड़े थोड़े हर एक सब्जेक्ट में पारंगत होते जाएंगे फिर आपके लिए आसान होने लग जाएगी चीज़, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।